नमस्कार, मैं पलक एडमोंट वर्ल्ड स्कूल नाभा की छात्र आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आप सभी को एक छोटू की कहानी सुनाने जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली आप उस छोटू के घर जरूर पहुंचोगे। अंधेरा चाहे कितना घना हो, एक हल्की सी रोशनी को मिटा सकता नहीं, और अंधेरा चाहे जितना घना हो उसी रोशनी से खुद को मिटने से बचा सकता नहीं। इसी अंधेरे को इस दिवाली अपने दिल से मिटाना है, इसी रोशनी को अपने दिल जिगर का रास्ता दिखाना है। ये जो लोगों में भरी नफरत है, एक दूसरे से जलने की फितरत है, ये जो मंजिलें नजर आती नहीं, धुंध के उस पार नजर जाती नहीं, हाँ यही बस इसी का नाम तो अंधेरा है कि सबके दिलों से बस यही अंधेरा तो इस दिवाली पर मिटाना है। जो मन में करुणा का भाव है, दानी है जो घर में चाहे अभाव है, जो प्यार से दूसरों का गम पीते हैं, अब गैरों के लिए ज्यादा अपने लिए कम जीते हैं, जो हाथ मदद कोटते हैं, जो सर दुआ में झुकते हैं, हाँ यही बस इसी का नाम तो उजाला है कि सबके दिलों में बस यही तो दीप जलाना है। तो चलो ना इस बार दिवाली एक अनोखा दिया जलाएं, प्यार की बाती विश्वास का घी और उम्मीदों से भरी एक अखंड जोत जगाएं। वो नुक्कड़ वाली गली में छोटू है ना, वो अक्सर करता है अपनी माँ से ये सवाल, माँ दिवाली कैसी होती है, कभी तो मनाओ ना, कभी तो खिलाओ मुझे हलवा पूरी और मिठाइयाँ। वो माँ जो गली गली भीख मांग कर अपना घर चलाती है, कभी भर पेट खाना तो कभी उस छोटू को भूखा सुलाती है। इस बार भी वो अपनी और अपने बेटे की किस्मत पर अफसोस जताएगी। मैं जानती हूँ इस दिवाली भी वो उस बच्चे को जल्दी सलाएगी। सुबह उठकर जो पूछेगा दिवाली गई क्या माँ, तो कहेगी नहीं अभी तो वक्त है बेटा, अगले साल हमारी दिवाली भी आएगी। क्यों सिर्फ एक राम के वनवास खत्म होने का हम जश्न मनाएं? चलो ना हम सब एक एक राम ढूंढ कर उसका भी वनवास कटाएं, एक और किसी के घर को अयोध्या नगरी बनाएं, एक और किसी के मुकद्दर में अमावस को चांद खिलाएं। चलो ना इस बार दिवाली एक अनोखा दिया जलाएं, प्यार की बाती विश्वास का घी और उम्मीदों से भरी एक अखंड जोत जगाएं। धन्यवाद, शुभ दीपावली।